खूबसूरती के लिए कुछ भी मैनेज करना पड़ता है। मेहंदी लग गई है तेरे, कोई बात नहीं। टन 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 धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ था। सो गाइस दिस इज माय फुल लुक। Assalam o Alaikum, so welcome to Rafa's YouTube channel and welcome to a new vlog. Eid Mubarak to everyone. Literally मैं रात को 11 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, but अब भी बज रहे हैं पूरे एक। ठीक है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, just want to sleep. तो गाइस मैंने हिम्मत कर ली थी उठने की, ठीक है अब होते हैं रेडी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है, हमने पिक्चर्स देनी है, बहुत काम करने हैं, एंड हमारे यहाँ पर जो मैम जैन है वो फुल सो रही है। ठीक है, उसको उठने का कोई नहीं पता है। एंड यार मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे यहाँ पर मेहंदी का बिल्कुल वो लगा हुआ है। ठीक है, ये ना लगे ना तो आपकी समझो ईद ही नहीं हुई है। तो मैं देख रही थी आज, मैंने कहा मैं लगा नहीं, बट जब मैंने इधर देखा तो था। तो क्या है, मेरी बाकी दोनों सिस्टर्स ऊपर रेडी हो रही हैं। ठीक है, आप भी किसी वक्त घर आती होगी। मामा एज यूजुअल फ़ोन यूज़ करके सो रही हैं, तो अब हम रेडी होते हैं। तो मामा ने मुझे निराशा किया, मामा तो उठी है। तुम मेरा नाम क्या लगा रही कि मैं सो रही हूँ, तेरा क्या ख्याल मैं सो रही हूँ, सारे काम सुबह से उठ के करवा लिए मैंने। नहीं, मुझे पता था ना काम करवा के आप सो जाती है, तो मैंने वो लोगों को बोला था कि आप शायद सो रही है। रब्बा उल्टा ना बोला करो, मामा के बारे में उल्टा मत बोला करो। खैर रेडी होते हैं, और मैंने इधर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली है, आराम से चेयर रख के बैठ गई हूँ। ये मेरा मेकअप बॉक्स है। अब राबिया मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों को हर एक एक छोटी छोटी चीज बताई कि मैं क्या 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 लगाने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने फेस को किसी भी टोनर से जो है ना उसको टोन कर, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद देन यूज एनी मॉइस्चराइजर व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, मैं ये वाला यूज करती हूँ। तो उसके बाद फिर आपको लगानी है कोई भी सनस्क्रीन। मैं ऐसे ज्ञान बांटती हूँ जैसे मेरी अपनी स्किन बहुत अच्छी है, बट खैर यार जो मैं कर रही हूँ फॉलो कर लो, अच्छे रह जाओगे। तो यार अब मेरे से कैमरा और संभाला नहीं जा, मैंने उसको एडजस्ट करवा लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने लगानी है कोई भी स्किन टिंट। जैसे मैं मतलब नॉर्मली कोई किसी भी ब्रांड का भी यूज़ करती हूँ तो स्किन टिंट होना चाहिए, क्योंकि यार स्किन टिंट से आपका ये होता है कि पूरी स्किन जो है ना वो एक टोन में आ जाती है, तो अच्छा होता है। बस मैं कह रही हूँ तो कर ले यूज़। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सीक्रेट, जब आप लोगों ने टिंट लगा लिया मुंह पर तो अब आप लोगों ने कोई भी फाउंडेशन कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी टिंट जो लाइक चीक टिंट होता है ना वो वाला टिंट आप लोगों ने कोई भी विदाउट बेस, ठीक है आप लोगों ने वो लगाना है। ये बहुत अच्छा हैक है, मैं ये हमेशा करती हूँ, इससे आपके चीक्स रेड रेड रहते हैं। ये आपने जो है बिफोर बेस लगाना है ताकि ना इससे आप रेड रेड हो जाओ नेचुरली। अगर तो आप रियल में आप रेड रेड हो फिर तो मत लगाओ, लेकिन अगर मेरी तरह नहीं हो, मैं हूँ वैसे लेकिन फिर भी नहीं हो, तो फिर आप ये लगा सकते हो। ओके, तो अब ये सब करने के बाद मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ आईज़। ठीक है, क्योंकि ये जो बेस वगैरह ये मैं आंखों के बाद लगाऊंगी। ये मैंने तरीका जो है पिछले एक महीने से सीख रही हूँ और अब आप लोगों को बताया है। देखो यार मेकअप तो सारे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा मेकअप ऐसा होता है कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो मैं कहती हूँ कि मेरे मुँह पर मेकअप हो भी और कोई देखने वाले को लगे कि मुँह पे इसके तो कोई मेकअप ही नहीं है। तो मैं उस टाइप का आप लोगों को मेकअप बताऊंगी, जैसे मेरा मेकअप को फॉलो करे और किसी को ना करे। अच्छा, आंखों का हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आंखों पे कोई भी ब्राउन शेड होता है ना, लाइक डार्क ब्राउन नहीं, लाइक ब्राउन शेड जिससे हम आंखों की कंट्रोल करेंगे, जो आपके यहाँ पे यहाँ पफिनेस होती है ना उस वो हमने जो है आंखों की यहाँ डेप्थ पे जो है उससे इसका वो उसको मर्ज करके कुछ ये करना है। बताती हूँ जरा, वो ये तो ख़राब हो रहा है बट हम इसको ठीक करेंगे। नहीं यार ख़राब नहीं हो ना, मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ईद वाला मेकअप बता रही। नहीं देखो ये अभी हुआ है ना इतना, इसको हम मर्ज करेंगे। अच्छा, हमारी कंटूरिंग जो हमने ब्राउन करनी थी वो देखें हो गई। अब हम कुछ इस तरह का जो ये वाला शेड है ये हम आंखों के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा उसको बेबी लुक देने के लिए। अच्छा यार, फिर ऑरेंज करने के बाद आपने कोई भी आई शेडो कह रही हूँ, आपने कोई भी फेस पाउडर का लेना है, वाइट करना है जो हमने फिर ऑरेंज कर लिया उसके यहाँ पर जो है ना इधर हमने इसको वाइट करना है। ये आईलाइट का जो ऊपर है ना जो भी होता है उसको हमें इस तरह से ऊपर वाइट करना है। ठीक है, और हमें लेंस भी मिल गए हैं तो हम लेंस भी लगाएंगे। आपकी मर्जी, आप लगाओ या ना लगाओ, वैसे आपकी नेचुरल आंखें ज़्यादा प्यारी होती है, बट मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। लेंस लगाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है बहुत मुश्किल से लगते हैं, लेकिन आपको खूबसूरती के लिए कुछ भी मैनेज करना पड़ता है। चलो, हमारी आंखों का जो मेन डेप्थ है वो बन गई, अब हमने ऊपर डेकोर करना है। अच्छा, उसके बाद आपने कोई भी गोल्डन कलर का जो है, लेकिन आपकी ड्रेस पर डिपेंड करता है कि आपका ड्रेस कैसे, मेरे ड्रेस के साथ गोल्डन जा रहा है तो हम गोल्डन जो है वो आई शेडो जो है वो ऊपर लगाएंगे। ये लो जी, ये लड़की उठी और उसके मैं अपना फेस दिखाओ साइड से,
उसके मुंह पे सारी मेहंदी लग गई है। जैनब कोई बात नहीं, मेहंदी के बगैर ईद वो तुम्हारी खूबसूरती है। कहते हैं जिसके मुंह पे सुबह उठ के मेहंदी लगी होती है उसका कुछ होता है कि कुछ अच्छा होता है। मेरी नहीं लगी, इसका मतलब मैं खूबसूरत नहीं। मामा तो बहुत सबसे ज्यादा प्यारी है। कह रहे भी ना चीजें तो मैंने तैयार होना जल्दी, मॉइस्चराइजर दो। मामा आप मेरा पिछली ईद का जाकर ट्यूटोरियल देख लें तो उसमें से जाकर कॉपी कर ले सारा। साथ साथ बताओ मैंने भी अपना ट्यूटोरियल देना। चलो ठीक है, जो जो मैं कर रही हूँ आप कॉपी करते जाए साथ साथ। चीजें तो देना, मैं अपने कमरे में जाके करूंगी तेरे साथ। तो मैं क्या यूज करूंगी? आप ले जाए कुछ, मेरा वो गिरा पड़ा है उधर यार। मुझे पता ना तीन चीजें चाहिए होती, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, थोड़ी सी बेस। ठीक है ले जाए, जो दिल करता है ले जाए यहाँ से। लालिया भी ले जाए। मैं तैयार होके आती हूँ। ओके मामा। अच्छा अभी आप लोगों को मेरी शक्ल से जज नहीं करना क्योंकि अभी सिर्फ हमारी आंखें हैं, क्योंकि अभी हमारे बेस सब होना है। तो डोंट जज, ट्रस्ट द प्रोसेस प्लीज। तो अभी हमारा ये लग गया है। अब हमने क्या करना है, लाइनर लगाना। इस दफा मैं काजल नहीं लगा रही क्योंकि काजल में हर दफा काजल वाली आंखें करती हूँ, इस दफा मैं बगैर काजल के कर रही हूँ। अच्छा तो यार हमारी आंखें बन गई हैं ऑलमोस्ट, बस हमारा लाइनर रह गया और नीचे से हमें थोड़ा सा करना है। ठीक है तो वो आफ्टर बेस होगा, अब हम बेस लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं, घर वालों खत्म हो रही है हमारे। मामा जी आप कौन सा ड्रेस पहन रही है? Yes, करो। कौन सा पहन रही है? अभी भी पूछ रही कौन सा, जो मुझे पापा ने भेजे, दो भेजे ना, उनमें से बताओ एक पहनना कौन सा पहनना। मामा आपको ऐसे मैरून वाला पहन चाहिए, वो अच्छा है। वो मैं वही पहन रही थी इतनी। देखा देखा यार, अब हम लगाएंगे अपनी बेस। ठीक है पहले हम ये वाली मैं यूज करती हूँ। ठीक है ये हम लगाएंगे, आपने अपने शेड की वट लगानी है, ज्यादा ब्राइट नहीं प्लीज। अच्छा यार मैंने बेस तो लगा लिया, बेस मैंने इस दफा दिल में पत्थर रख के बहुत ज्यादा लगाई है। हमारे घर पे गेस्ट भी आ चुके हैं तो मुझे जल्दी से रेडी होना पड़ेगा। एंड अब हम लगाते हैं वो क्या कहते हैं, कंसीलर लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट जैसे पिंपल था मेरा उधर शुदर लगाते हैं। अच्छा यार तो हमारा वो कंसीलर भी लग चुका है, अब हमने सारी लिक्विड वाली चीजें लगानी है। गेस्ट आ चुके हैं, मुझे रेडी नहीं हुआ जा रहा, तो हमने सारी लिक्विड वाली चीजें लगानी है। जैसे कि यहाँ पे ब्लश लगाएंगे लिक्विड वाला, फिर हम थोड़ी सी कॉन्टोर करेंगे। तो जल्दी जल्दी करो राबिया, टन 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 टन। और ये ज्यादा मुझे टेंशन में खड़ी है कि ये कैसे रेडी हो। मैं तो यार रेडी, तो ब्लश हमारा लग चुका है गाइस। ठीक है अब हमें लगाना है कॉन्टोर, थोड़ी सी कर लूँ क्यों, जरा सी बस, जरा सी कर लूँ कॉन्टोर कर लो। अच्छा वैसे मुझे कॉन्टोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पतली हूँ यार, बस नाक का थोड़ा सा मसला होता है, मेरा थोड़ा सा मोटा है ना। ठीक है तो मैं कॉन्टोर पता कैसे करती हूँ, बस हो गई। लेकिन चलो इस दफ़ा ईद है तो थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, ज़रा ज़रा से बस। इतनी ज़्यादा मुझे कॉन्टोर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा यार हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस अब हमने क्या करना है, हमने पाउडर करना है आंखों के नीचे। ठीक है वो आपको करके दिखाते हैं। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ था। ओके यार हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया, एक मिनट मैं आईब्रोज भूल रही हूँ, आईब्रोज बना लेते हैं जल्दी से। तो यार हमारा लाइनर लग चुका है, अब जैनब को हमने बहुत मेहनत से लगाया, मैंने कभी ये ठीक किया कभी वो ठीक किया, बट चलो शुक्र है जैसा भी लगा लग गया। अब इस जैनब को हम लेंस पहनाते हैं, वो कंफ्यूज हुई हुई है। और गाइस अब लगाएंगे मस्कारा, ठीक है उसको फिर हाइलाइटर और फिर लिपस्टिक। सो गाइस हमारा मेकअप जो है फुल डन हो चुका है, आप लोगों को सब पता है मैंने क्या क्या लिपस्टिक मैंने लगा ली। लिपस्टिक मैंने आउटलाइन लगा के ना कोई भी, और सेंटर में टिंट लगा ली है। तो ये हमारा मेकअप हो गया, अब हम जल्दी से बाल करते हैं, बाद मेरा फोटोग्राफर आ गया, मैंने शूट करना है, कपड़े कुछ डिसाइड नहीं है, इयररिंग्स क्या पहनने हैं। अच्छा तैयार हो, मामा तो बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं फटाफट से जो है ना कपड़े पहनती हूँ ताकि, और बाल भी कर्ल्स करने हैं। शिट मामा तुझसे बाद में मैं लगी हूँ, मैं तैयार भी हो गई हूँ देखो पूरा, और तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं खाती हूँ, मैं पहले लोगों को धूप में अपना मेकअप दिखा दूँ एक दफा, ये वाला मेरा मेकअप, अब जैसे रेडी होते हैं। तो गाइस सारे तैयार हो गए, सारे शूट वगैरह करवा रहे हैं, और मैंने भी ड्रेस पहन लिया, आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ मैं। खैर मेरा पिंक कलर का इस दफा, जैसे अभी मैं कर्ल्स डाल रही हूँ, और ये लड़की अभी माशाल्लाह से मेकअप ही कर रही है। जैनब आज तेरा और मेरा साबुन स्लो है, दोनों का ही स्लो है आज हमारा, लेकिन कर्ल्स डाल दूँ बस, व्लॉग आगे बंद कर दो प्लीज। तो यार मैं जो झुमके हैं वो मैंने ये वाले मैच कर लिए, ठीक है साथ मैंने चूड़ियाँ पहनी है, और मेरा ये कुर्ता था ये मुझे बहुत तंग था तो मैंने मम्मा से खुला करवा रही हूँ, मम्मा के पाँव से ऐसे ऐसे करना खुला हो जाना। ये भी एक हमें बचपन में एक ट्रिक किसी ने बताया था, तंग हो ना तो बड़े बंदे को बना दो खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो मामा जो है ना इसको मुझे खुला करके दे रही है। इस दफा मैंने पायल भी पहनी है, ही 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 चूड़ियाँ मुझे मामा ने दी है ये वाली, ठीक है। तो अब हम लोग बस क्या करते हैं दुपट्टा लेते हैं, फुल लुक में आप लोग अब दिखा दूँ। सो गाइस दिस इज माय फुल लुक, ये है मेरा फुल ड्रेस, और मैं साथ एक्सेसरीज भी दिखा देती हूँ। हमने ये चूड़ियाँ पहनी हैं, ये वाले झुमके, और साथ में एक दफ़ा पायल भी पहनी है ये खुद से, और ये कर्ल्स डाले, और मेकअप आप लोगों को पता है मैंने कैसे किया है। सो ये राबिया रेडी है। तो गाइस इधर मैं शूट करवाने आई हूँ, तो होप सो कि आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। बाय।